हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल में। मैं हूं आपका एजुकेटर। मास एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस जो है उसके कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर रहे होंगे आप और आपको समझ में भी आ रही होंगी। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक थ्योरेटिकल मैक्सिमम यील्ड फॉर द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज से जब एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो वॉट विल बी द मोल पर मोल। इसके लिए क्या करना है कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इक्वेशन पता है तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा कि एक ग्लूकोज, ध्यान दीजिएगा कि C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 2 मोल ऑफ एथेनॉल बनाता है एंड 2 मोल ऑफ CO2 एंड H2O बनाता है। तो 1 मोल टूट के 2 मोल जो बनाता है वो एथेनॉल बनाता है। तो मोल बाय मोल के हिसाब से देखें तो अगर यील्ड की पर्सपेक्टिव से बात करें मोल बाय मोल में, तो 2 मोल ऑफ एथेनॉल जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, अगर हम बात करें तो 2 मोल ऑफ एथेनॉल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है विथ रिस्पेक्ट टू द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ एथेनॉल जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है इस पर्टिकुलर में देखें तो, इसीलिए आंसर जो है 2 है इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आपके पास पाया जा रहा है, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है कि दैट सीडोमोनास विथ अ एलिमेंटल कॉम्पोजिशन, जिसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है CH3O0.5N0.5, जिसका मॉलिकुलर वेट 30 है, इज ग्रोन इन द बायोरिएक्टर टू द फाइनल सेल मास 30 ग्राम पर लीटर। देन मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए जिसका मॉलिकुलर वेट 70 होता है, जो कि एज अ सोल नाइट्रोजन सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि सीडोमोनास जो है जिसका एलिमेंटल कॉम्पोजिशन जो कि बायोमास का कॉम्पोजिशन ये दिया हुआ है, इसमें अगर अमोनिया ही एज अ नाइट्रोजन सोर्स काम कर रहा है तो एग्जैक्टली कितना जो मिनिमम कंसेंट्रेशन चाहिए। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि द वेरी बेसिक फंडामेंटल ये है बायोमास का, जो पर्टिकुलरली फॉर्मूला है इन्होंने दिया हुआ। इस बायोमास में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन जो है 0.5 मोल यूज़ किया जा रहा है। अगर एक लिखा होता है तो मतलब 1 मोल है, और अगर 0.5 यहाँ पे तो अल्टीमेटली 0.5 मोल नाइट्रोजन यूज़ किया जा। सो एज यू नो दैट फाइनल कंसेंट्रेशन वैसे तो इन्होंने 30 ग्राम पर लीटर दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत कोई नहीं पड़ने वाली है। यू नो दैट कि मोल का जो फॉर्मूला होता है, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, एंड 1 मोल में वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट बराबर हो जाते हैं। वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट बराबर हो जाएगा अगर मोल का वैल्यू जो है 1 होगा। सो इन 1 मोल वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट। तो सिमिलरली अगर हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करें इन द केस ऑफ अमोनिया, सो इट रिक्वायर्स 17 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्योंकि इसमें 1 मोल इस एटम के लिए, 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 17 ग्राम अमोनिया की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वो आपको 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिलने वाला है। सो हियर अगर हम 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें 0.5 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 17 में तो ये हो जाएगा 8.5 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्योंकि 17 ग्राम अमोनिया जो होगा 17/17 करोगे तो 1 मोल आपको मिल जाएगा। अगर 0.5 करना होगा तो ये वैल्यू आधी हो जाएगी, क्योंकि मॉलिकुलर वेट तो चेंज नहीं होने वाला है, वेट ही है जो चेंज होगा। तो वेट 8.5 रखेंगे तो आपका जो मोल हो जाएगा वो 0.5 के कंपेरिजन में आ जाएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका 8.5 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, लाइक हियर अगर हम बात करते हैं तो Acetobacter acetyl कन्वर्ट्स द एल्कोहल ऑफ एसिटिक एसिड अकॉर्डिंग टू द स्टोचियोमेट्रिक रिलेशन। इन्होंने दिया हुआ है कि Acetobacter acetyl है जो कि एल्कोहल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसमें ये है एथेनॉल, दिस इज योर एथेनॉल, ये एथेनॉल है, एल्कोहल है जो ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। अब पूछा जा रहा है कि इन अ विग्रेसली एजिटेटेड एंड एरेटेड रिएक्टर कंटेनिंग 20 ग्राम पर लीटर ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल जो है 20 ग्राम पर लीटर कंटेन कर रहा है, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस 16 ग्राम ऑफ द एसिटिक एसिड, ये 16 ग्राम मिल रहा है और जो एथेनॉल बच रहा है वो आपका 2 ग्राम पर लीटर वॉज द रेजिडुअल एथेनॉल कंसेंट्रेशन, मतलब बच जा रहा है। रेजिडुअल का मतलब जो है एक तरीके से अगर बोला जाए तो दैट मीन्स लेफ्ट आउट रह जा रहा है, बच जा रहा है। सो वॉट आर द थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड यील्ड फॉर एसिटिक एसिड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर ग्राम एथेनॉल, तो इसकी थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड यील्ड क्या होगी। सो ध्यान देने की कोशिश करिएगा,
अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पहले मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट कर ले, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ध्यान दीजिएगा कि मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करने के लिए कार्बन टू यहाँ पे है तो 12 इंटू टू करेंगे, एक कार्बन का 12 दो, फिर उसके बाद हाइड्रोजन 5 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 है तो 16, इसको ऐड करेंगे तो एल्थेनॉल का मॉलिकुलर वेट 46 होता है। कुछ चीज़ों का मॉलिकुलर वेट ध्यान रखे रहिएगा अगर आप बायो प्रोसेस लर्न कर रहे हैं तो, जैसे ग्लूकोज, जैसे एथेनॉल, इन सब चीज़ों का मॉलिकुलर वेट आपको जुबा पे होना चाहिए। तो 46 ग्राम पर लीटर ग्राम जो है ये आपका यहाँ पे पाया जा रहा है। एसिटिक एसिड का जो मॉलिकुलर वेट है देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे 2 है तो 12 इंटू 2 24, हाइड्रोजन 4 है तो 4, एंड ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 32, एड ऑन करेंगे तो ये 60 मॉलिकुलर वेट आएगा। तो एथेनॉल का मॉलिकुलर वेट होता है 46 और आपके एसिटिक एसिड का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 60। ये चीज़ आपके पास अपीयर हो रही होती है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? द थ्योरेटिकल यील्ड इज अ मॉलिकुलर वेट ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द सबस्ट्रेट। इससे थ्योरेटिकल यील्ड का पता चलता है। दैट मीन्स 60/46 मॉलिकुलर वेट जो है एसिटिक एसिड का अगर देखेंगे तो वो है 60, एंड एथेनॉल का मॉलिकुलर वेट है 46। तो 60/46 इज अ थ्योरेटिकल यील्ड जिसमें मॉलिकुलर वेट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेट यूज किया जाता है। लेकिन ऑब्जर्व्ड यील्ड की बात करें तो दैट इज अ चेंज इन वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट ऑफ द प्रोडक्ट का चेंज डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सब्सटेट। वेट ऑफ द सब्सट्रेट जो है, चेंज इन द वेट ऑफ द सब्सट्रेट जो होता है ये आपका पाया जाता है ऑब्जर्व यील्ड में। यहाँ पे मॉलिकुलर वेट को रिलेट करेंगे तो थ्योरेटिकल यील्ड मिलेगा, और जो वेट इन्होंने दिया हुआ है इसको यूज करेंगे तो आपको ऑब्जर्व यील्ड मिलेगा। तो चेंज इन वेट, अगर बायोमास देखेंगे तो इनिशियली बायोमास 0 था, फाइनल कितना हुआ 16 हो गया था प्रोडक्ट बन के, और एथेनॉल इनिशियली 20 था और बचा कितना था 2 बचा हुआ था। तो 16/18 विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि मॉलिकुलर वेट का सहारा ले रहे थे 60/46, तो आपको मिल गया था थ्योरेटिकल यील्ड, एंड 16/18 कर दिया, 16/20-2 कर दिया तो वो हो गया ऑब्जर्व्ड यील्ड। ये चीज यहाँ पे अपीयर हुई थी, ठीक है ना। द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, एग्जैक्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिर से आया हुआ है। एथेनॉल पूछा गया है, एथेनॉल कन्वर्ट हो रहा है एसिटिक एसिड एंड वाटर में अगेन। अब इसमें क्या किया गया कि इन्होंने पूछा कि मीडियम में 10 ग्राम जो है वो आपका एथेनॉल होता है, आफ्टर द सम टाइम एथेनॉल कॉन्सेंट्रेशन विल बी 2 ग्राम एंड द 7.5 ग्राम एसिटिक एसिड जो है आपको प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जो नंबर है इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये मिसटाइप, तो अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको मिल रही थी। अब वॉट इज द ऑब्जर्व्ड यील्ड, ठीक है ना, एंड वॉट इज द थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड और ऑब्जर्व यील्ड की बात की जा रही है, अगेन जो मैंने अभी यहाँ पे बताया वही चीज़ है। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपको मॉलिकुलर वेट का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगेन वही इक्वेशन में यहाँ पे क्या है कि इस पर्टिकुलर में ग्राम जो दिया हुआ है कि 10, ये जो है 10 ग्राम पहले था, उसके बाद 2 कितना बच जा रहा है 2 ग्राम, इसमें जो है 2 ग्राम लेफ्ट आउट हो जा रहा है, जबकि ये जो है पहले 0 ग्राम था और बाद में 7.5 ग्राम पर लीटर बच रहा है। सो दिस इज योर X1 एंड दिस इज योर X2, दिस इज योर S1 एंड दिस इज योर S2। ये चीज आपकी पाई जा रही है। सो हियर अगेन अगर हम बात करें थ्योरेटिकल यील्ड के लिए, तो थ्योरेटिकल यील्ड में मॉलिकुलर वेट का सहारा लेंगे तो मॉलिकुलर वेट में इसका 60/46 दैट इज 1.3, ये तो थ्योरेटिकल यील्ड फिक्स हो गया इस इक्वेशन के लिए, जो कि पहले भी वही आ रहा था। ऑब्जर्व्ड यील्ड में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज योर XF-X इनिशियल एंड SF-S इनिशियल जो है यहाँ पे पाया जाएगा। सो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एस यहाँ पे यूज होगा माइनस के साथ, तो XF-X इनिशियल जब आप करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज 7.5-0, एंड S0-SF करेंगे तो 10-2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस एक्चुअली लगा होता है इसीलिए मैंने, अगर माइनस को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो S0 ज़्यादा, वो ज़्यादा रहेगा और SF कम रहेगा, तो इसके बेसिस पे हमने ये चीज़ रखी हुई है। वैसे चेंज का मतलब जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, लेकिन सबस्ट्रेट जो है फाइनल कम होता है इनिशियल ज़्यादा होता है, इसी वजह से यहाँ पे माइनस पुट किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे भी यही करोगे लेकिन माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा जो नेगेटिव वैल्यू आएगी। सो अगेन 7.5-0, और अगर देखोगे तो वो एक्चुअली 7.5-0 होगा और 2-10 होगा, तो ऊपर तो 7.5 रहेगा लेकिन नीचे -8 रहेगा, और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये चीज इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
सो ये 7.5 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये वैल्यू जो है 0.94 के बराबर आ जाएगा. क्या जाएगा? 0.94 के बराबर. सो दिस इज द वे कि ये इस तरीके से जो है आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो